कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। खूंटी जिले के ग्रामीणों ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। दरअसल 200 ग्रामीणों ने अपनी अटल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से 4 माइक्रो बांध का निर्माण कर डाला। देखिए यह खास रिपोर्ट। अगर हो बुलंद तो पहाड़ों का भी सीना चीर सकते हैं। खूंटी जिले में 200 ग्रामीणों ने अपने दृढ़ संकल्प से 4 माइक्रो बांध का निर्माण कर डाला और एक दिन में लगभग 2.5 एकड़ के क्षेत्रफल में 1,09,00,000 लीटर पानी का संचयन बोरी में बालू भरकर किया है। क्या महिला, क्या पुरुष, युवक युवतियां सभी मिलकर महज 4 घंटे में 4 बोरी बांध बना डाला। गांव की मोनिका मुंडू का कहना है कि 7 दिनों के बाद बोरी बांध में पानी भर जाएगा, जिसमें गांव के लोग बतख पालन करेंगे और इसके लिए ग्राम सभा जिला प्रशासन से सहयोग की अपील करेगी। हम लोग जिला प्रशासन, ग्राम सभा, सेवा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 4 बोरी बांध का निर्माण किए हैं, जिसमें हम लोग गाँव के लोग बहुत ज्यादा विकास करेंगे। और हम लोग बोरी बांध किए हैं तो उसमें पूरा गर्मी भर के लिए पानी रह जाएगा और हम लोग गर्मी में खेती बाड़ी करेंगे, मवेशियों के पानी पीने के लिए हो जाएगा और साथ ही साथ हम लोग बत्तख पालन भी करेंगे। और इस बार के गर्मा फसल में हम लोगों ने तरबूज, करेला और टमाटर इत्यादि खेती करने का फैसला लिया है। गांव के ही प्रभु सहाय मुंडू ने कहा कि गांव में जोहार परियोजना के तहत सोलर आधारित जलापूर्ति योजना तो लगाई गई है, जिसकी मदद से लगभग 15 एकड़ में मटर, गेहूं, आलू, प्याज और लहसुन की खेती की गई, जहां बोरी बांध सहायक बनेगी। बोरी बांध इसलिए कर रहे हैं कि पानी का थोड़ा समस्या है। अभी मटर, गेहूं, आलू ये सब खेती हुआ, फिर प्लानिंग हम लोग किए हैं तरबूज, करेला, लौकी, ये सब के लिए पानी का समस्या होता है, इसलिए हम लोग बोरी बांध किए हैं। फिर हम लोग ये सेवा सोसाइटी की तरफ से और ग्राम सभा के माध्यम से इसको बोरी बांध बनाए हैं। माइक्रो बांध के निर्माण के बाद ग्रामीण काफी खुश है। एकजुटता ऐसी ताकत है जिससे बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है और इसका जीता जागता उदाहरण खूंटी जिले में देखने को मिल रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। तो हौसला हो तो कुछ भी संभव है और ये खूंटी के ग्रामीणों ने साबित कर दिखाया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।